ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू मेक एन एपीआई कॉल, राइट? सबसे पहले अपन साइन अप करेंगे. साइन अप से क्या होगा, सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर से एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट होगा, राइट? एक टेबल में, विच विल बी यूजर टेबल, उसमें डेटा इंसर्ट होना चाहिए. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट? इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ से जो भी साइन अप होगा, राइट, वो साइन अप वुड बी ऑफ अ पर्टिकुलर रोल, यानी एक यूज़र करके साइन अप होगा. तो जो भी यूज़र है ये उसी का साइन अप रहेगा यहाँ से, जो साइन अप होने वाला है, राइट? देन विल इम्प्लीमेंट लॉगिन. लॉगिन में क्या होगा, वो डेटाबेस में जाके वो चेक करेगा वेदर द यूज़र एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वैसा एक मैसेज हम लोग कुछ तो डाल देंगे, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर विल गो टू द होम पेज, राइट? कौन सा होम, तो यूज़र वाला जो होम पेज है वो, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एडमिन राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, राइट? यूज़र राइट नाउ. एडमिन के ऊपर बाद में सोचेंगे, पहले यूज़र और यूज़र के कॉन्टैक्ट्स वगैरह के बारे में देखेंगे, राइट? सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ सर्वर. आज सुबह क्लास इसीलिए नहीं लिया क्योंकि सर्वर बनाना था, तो एक सर्वर मैंने छोटा सा ऐसे ही बनाया है. तो आई विल शेयर दिस प्रोजेक्ट विद यू गाइस ताकि तुम लोगों को कुछ करना ना पड़े. कितना ख्याल रखता हूँ देखो मैं तुम्हारा, राइट? सो आई विल बी शेयरिंग दिस प्रोजेक्ट विद यू गाइस. तो आपने सिर्फ उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके npm इंस्टॉल करके रन करना है, राइट? तो आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, कहाँ से डाउनलोड एंड ऑल एंड स्टफ, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट इज द टास्क. द टास्क इज दैट दिस इज अ साइन अप फॉर्म, एंड इन दिस साइन अप फॉर्म विल फिल द डिटेल्स, एंड व्हेन विल क्लिक ऑन साइन अप व्हाट शुड हैपन इज देयर शुड बी अ पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट? वो पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे जाएगी. सर्वर पे भी कहाँ जाएगी, तो आई विल शो यू, ये यूज़र राउट्स में ये साइन अप पर जाने वाली है. सो इट विल बी लोकल होस्ट :3000/signup, उस पर हम लोग ये करने वाले हैं, राइट? तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इज लोकल होस्ट :3000, ये URL हर जगह होती ही होती है, राइट? फिर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में ये कॉल होगा, राइट? और ये साइन अप में मैंने क्या किया है, ये साइन अप में आई एम जस्ट इंसर्टिंग इन टू द यूज़र, राइट? तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एंड अ रोल. या आप लोगों को जब मैं वो कोड शेयर करूँगा तो यू ऑल यानी तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है ये इसमें. जब आप रन करोगे तो समझ में आएगा. दो ही अपने एंटिटीज है, एक यूज़र एंटिटी है और एक कॉन्टैक्ट्स नाम की एंटिटी है, राइट? तो एक यूज़र के राउट से यहाँ यूज़र फोल्डर में और एक कॉन्टैक्ट के राउट से, राइट? दिस कॉन्टैक्ट वुड बी टू ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट एंड स्टफ, टू गेट अ कॉन्टैक्ट बाय ID, टू गेट अ कॉन्टैक्ट बाय यूज़र ID वगैरह वगैरह, ऐसा सब उसमें रहने वाला है, राइट? सो विल फर्स्ट लुक इन टू साइन अप एंड लॉग इन एंड देन विल गो फॉर कॉन्टैक्ट्स, राइट? दैट इज़ वॉट वी वुड बी डूइंग हियर, राइट? सो लेट मी चेक इफ द सर्वर इज रनिंग. टर्मिनल ओके, ये नहीं है, देन अनदर टर्मिनल, दिस वन इज ओके. व्हाट आई डू इज ठीक है, आई विल जस्ट रन द सर्वर नोड index.js. सो इट वुड से लिसनिंग ऑन 3000. तो दिस सर्वर इज रनिंग नाउ. नेक्स्ट व्हाट आई वुड डू इज लाइक आई विल ओपन अनदर टर्मिनल, एंड इन दिस टर्मिनल फर्स्ट आई वुड बी क्रिएटिंग अ सर्विस. आई विल कॉल दैट सर्विस लॉगिन सर्विस. आई विल कॉल दैट सर्विस लॉगिन सर्विस, राइट? सो हाउ टू क्रिएट अ सर्विस, वी क्रिएट अ सर्विस बाय ng जनरेट सर्विस लॉगिन. ये G and S आर शॉर्ट फॉर्म्स फॉर जनरेट एंड सर्विस, राइट? सो व्हाट वुड दिस कमांड डू, दिस कमांड विल जनरेट अ फाइल कॉल्ड एज login.service.ts. इन दैट फाइल देर विल बी अ क्लास विच वुड बी कॉल्ड एज लॉगिन सर्विस. फिर वो क्लास में आपने HTTP क्लाइंट को इम्पोर्ट करना है. सो ये सर्विस जो है ये बनते रहेगी, राइट? टिल देन व्हाट वी नीड टू डू इज
Right, so what we need to do is that we'll go into our app.module.ts first. Right, so in app.module.ts, right, the first thing which we would do is we'll import HTTP client module from @angular/common/HTTP. You guys know what this is, so, right? So I'm not repeating. We'll import HTTP client module from Angular common HTTP, and next is we would add it in our imports array. Yahan humne imports array mein use add kar diya. Right, now this is a mandatory step that whenever you have to use HTTP client, right, you have to import HTTP client module, right? Tabhi aapko HTTP client jo class hai wo milta hai. Right, next let us see if our service is generated. To service is generated, login.service.ts. So what I'll do is I'll open this login.service.ts file. Right, now in this what I'll do is I'll import HTTP client from @angular/common/HTTP. Then in my constructor I will inject it. I'll say private HTTP colon HTTP client. राइट, अब ये लॉगिन सर्विस में क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो साइन अप और दूसरा लॉगिन. सो आई विल राइट अ फंक्शन साइन अप. राइट, नाउ साइन अप विल कंटेन अ पैरामीटर विच वुड बी यूजर. ये अपने कंपोनेंट से आएगा और इसमें क्या आएगा, वो जो फॉर्म है उसकी वैल्यू ये ऑब्जेक्ट में आएगी. राइट, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज बिकॉज दिस साइन अप इट इज़ अ यूज़र का साइन अप. राइट, इट इज़ नॉट एन एडमिन का साइन अप. यूज़र का साइन अप मतलब क्या है कि उसका एक रोल होना चाहिए. राइट, एंड दैट रोल वुड बी यूज़र. राइट, सो व्हेनेवर यू साइन अप योर रोल इज ऑलवेज यूज़र. राइट, सो विल कम टू दैट लेटर वो क्या है. अभी के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल से यूज़र डॉट रोल इक्वल्स टू. राइट, आई विल से यूज़र. ये यूज़र क्या है बाद में समझने की कोशिश करते हैं, but if you understand this, excellent. Right, then I would say return this dot http dot post. So what I am doing here is a post request. In my post request I'll be passing a url. So url is http colon localhost colon 3000 slash sign up. Let me check if in my sign up it is all are in small cases. Right, so I would say sign up, simple. Yes, sign up, and the second parameter to it would be this object user. Right, aur ye jo post request hai main yahan se return karwa raha hu. So I am saying return this dot http dot post. Right, this is the URL which I am sending and this is the user. Now one thing, one important thing that you need to note is कि ये जो URL है इसमें ये local host colon 3000 जो है ये हमेशा common रहेगा. Right, so there is another step that we need to do. Right, there is a file called as environment.ts in this environments नाम का folder. एक एनवायरमेंट्स नाम का फोल्डर है, उसमें एक एनवायरमेंट डॉट टी एस फाइल है. ओपन दैट फाइल. राइट, इन दिस फाइल यहाँ पर एक एक्सपोर्ट कॉन्स एनवायरमेंट इक्वल्स टू एक जेसन ऑब्जेक्ट है. राइट, यहाँ पर आई विल से आई विल ऐड अनदर की आई विल से बेस यूआरएल कोलन. राइट, एंड आई विल पास दिस एचटीटीपी कोलन लोकल होस्ट कोलन 3000. राइट, एंड आई विल गिव अ स्लैश एट द एंड एज वेल. राइट, तो ये मेरी बेस यूआरएल है. इसका मतलब क्या है कि ये वाली यूआरएल मेरी हमेशा कॉमन रहने वाली है. तो मेरा सर्वर अगर कभी चेंज भी हुआ, पोर्ट नंबर चेंज हुआ, तो मुझे एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा. राइट, नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वुड डू इज आई विल गो टू माई लॉगिन सर्विस. आई विल इम्पोर्ट दिस एनवायरमेंट फाइल इन माई सर्विस हियर. सो आई विल से इम्पोर्ट से एनवायरमेंट
फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एनवायरमेंट्स स्लैश एनवायरमेंट, राइट। तो ये एनवायरमेंट फाइल जो है वो यहाँ से हमने इंपोर्ट किया, राइट। ये एनवायरमेंट में इफ यू कैन सी बेस यूआरएल इज देयर, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज यहाँ पर, राइट, आई विल सिंपली यूज एनवायरमेंट डॉट बेस यूआरएल प्लस ये एचटीटीपी लोकल होस्ट 3000, अब मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या है, दिस इज सिंपल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और कुछ नहीं है। तो एनवायरमेंट डॉट बेस यू आर एल में हमें मिला HTTP कोलन लोकल होस्ट वो जो भी है कोलन 3000 स्लैश वो मिला और उसके बाद में साइन अप। तो एट द एंड यू आर एल वही है, सिर्फ एक ही जगह चेंज लगेगा क्योंकि हमें बहुत सारे API कॉल्स करने हैं, तो हर बार हमें इतना बड़ा लिखते बैठने की ज़रूरत नहीं। अगर अपना सर्वर चेंज भी हुआ तो एक एनवायरमेंट डॉट टी एस में आपने चेंज कर लिया, अपना काम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अ फंक्शन फॉर साइनअप, राइट। विल क्रिएट अनदर फंक्शन लॉग इन, उसमें भी आई विल पास इन अ यूजर, राइट। अब इसमें रोल डालने की जरूरत नहीं, आई वुड सिंपली से रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट, राइट। लॉग इन भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, आई विल पास एनवायरमेंट डॉट बेस URL प्लस आई विल से लॉग इन, राइट, एंड आई विल पास यूजर, दैट्स इट। लॉग इन में मैंने इतना ही करना है। तो लॉग इन में ये यूजर में क्या जाएगा, ये यूजर में ईमेल और पासवर्ड जाएगा जो आपके फॉर्म से आने वाला है। साइन अप में क्या जाएगा, ये दुनिया भर की चीज़ें आएगी जो आपके इसमें है, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड का अपने को काम नहीं है, बट दैट इज़ फाइन, राइट। वो डेटा एक्स्ट्रा डेटा गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। एंड इसके साथ में API कॉल में मुझे क्या करना है, मुझे एक रोल भी भेजना है। तो वो यहाँ पर यूज़र आएगा, यहाँ पर मैं वो रोल को ऐड करूँगा, एक एक्स्ट्रा की ऐड करूँगा वो ऑब्जेक्ट में, ताकि मेरे डेटाबेस में वो रोल चले जाए। इफ़ यू सी मेरे यूज़र टेबल में क्या क्या है, आई हैव ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एंड अ रोल, ये चीज़ें हैं, राइट, जो यूज़र टेबल मैंने बनाया। ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सो यू गाइज वुड बी एबल टू डू दैट, राइट। नेक्स्ट इज लेट अस इम्प्लीमेंट आर साइन इन फंक्शनैलिटी एंड देन विल इम्प्लीमेंट आर लॉग इन फंक्शनैलिटी। सो लेट अस गो टू आर साइन अप कंपोनेंट डॉट टी एस, ठीक है। तो साइन अप कंपोनेंट में क्या हुआ कि जब भी हम लोग ये साइनअप डॉट HTML में ये बटन पे क्लिक करेंगे तो इट विल कम टू दिस फंक्शन साइनअप, राइट। अब यहाँ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कॉल द फंक्शन साइनअप फंक्शन ऑफ माय सर्विस। सो फॉर दैट आई नीड टू इंपोर्ट माय सर्विस, राइट। सो आई विल इंपोर्ट, इसकी ज़रूरत नहीं अब मुझे, हटा देता हूँ। सो आई विल इम्पोर्ट लॉग इन सर्विस, सो आई विल से इम्पोर्ट लॉग इन सर्विस फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश लॉग इन डॉट सर्विस, राइट, एंड आई विल इंजेक्ट दिस सर्विस, आई विल से प्राइवेट से ऑथ सर्विस नाम दे सकते हैं इसको, एंड इट विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉग इन सर्विस, इसलिए प्राइवेट ऑथ लॉग इन सर्विस ऐसा मैंने यहाँ लिया है, राइट। अब यह ऑथ क्या है, दिस ऑथ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉग इन सर्विस। लॉग इन सर्विस में क्या है, मेरे दो फंक्शन है, एक लॉग इन है और एक पासवर्ड है, ये साइन अप है, राइट। सो हियर व्हाट आई विल डू इज, राइट, मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। हाउ विल आई डू दैट, आई विल से दिस डॉट ऑथ डॉट साइन अप, राइट। और ये साइन अप में व्हाट विल आई पास, इसको यूजर ऑब्जेक्ट चाहिए। यूजर ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है आपको, ये साइन अप फॉर्म डॉट वैल्यू में। रिमेंबर हमने ये जो प्रिंट किया था ये एक जेसन प्रिंट हुआ था, तो आई विल सिंपली पास दिस, राइट, एंड आई विल सब्सक्राइब टू इट। सो आई विल से डॉट सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब हैज टू कॉल बैक्स, वन इज सक्सेस कॉल बैक एंड अनदर वन इज एरर कॉल बैक,
ठीक है, एरर में आई एम सिंपली सेइंग अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर कुछ एरर आया तो वो, इन माय सक्सेस आई विल से कंसोल डॉट लॉग सक्सेस, एंड आई विल नेविगेट। तो अगर एरर आया साइनअप में तो मुझे नेविगेट करना है क्या नहीं करना है? मुझे नेविगेशन कब करना है? आई विल नेविगेट ओनली इफ माई साइनअप इज सक्सेसफुल, अदरवाइज ये एरर वेरर यहाँ पर कुछ तो उसने डिस्प्ले कराना चाहिए। यह डिस्प्ले करने के लिए भी आप एक डेटा मेंबर ले सकते हो, उस डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर एरर में प्रिंट करा दो, एरर जो है उसे असाइन करा दो और वो एनजीएफ से आप उधर डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट? वो आपको जो तरीके से करना है वो तरीके से, एरर जो डिस्प्ले कराने का काम, राइट? बट एज ऑफ नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, हैप्पी सिनेरियोस देख रहे हैं कि एवरीथिंग वुड बी सक्सेसफुल, राइट? तो ये साइनअप हमने कॉल किया, इससे पोस्ट रिक्वेस्ट गई, पोस्ट रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुल होती है तो हम लोग नेविगेट करेंगे, कहाँ नेविगेट करेंगे, लॉगिन पेज पे नेविगेट करेंगे और वहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश कर लेंगे, इतना ही है, राइट? लेट्स सी इफ वी आर एबल टू डू दैट, आई विल इंस्पेक्ट ताकि वो प्रिंट हो जाए जो भी हो रहा है। ठीक है, सो नेम आई कैन गिव गंधार, ईमेल आई कैन गिव b@b.com, राइट? मोबाइल आई कैन गिव 8888755259, पासवर्ड आई कैन गिव गंधार, स्मॉल में गंधार दिया मैंने, ये भी पासवर्ड कंफर्म भी स्मॉल में गंधार, तो ये पासवर्ड मैच हो रहे हैं, दैट इज़ ओके, ये क्लियर कर देता हूँ लॉग्स में, राइट? नाउ आई विल क्लिक ऑन साइन अप, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। http://localhost3000/signup, status text not found, right? अब दो तीन चीज़ें हैं जो आपने देखना है, एक तो साइनअप कंपोनेंट डॉट टी एस में 50 पे कुछ तो आया और ये एरर दिया, लोकल होस्ट कोलन 3000 साइनअप नॉट फाउंड, अपना ये बंद है क्या सर्वर? http://localhost:3000/signup, status text not found, ओके। तो ये साइनअप ऐसा ना होते हुए यूज़र राउट्स है, तो इट विल बी user/signup, राउट्स 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 में routes.js में इट इज़, हाँ यूज़र है, यूज़र के बाद में साइनअप है, राइट? तो ये ऐसा एरर देगा, ये एरर कहाँ से प्रिंट हो रहा है? साइनअप कंपोनेंट डॉट टी एस में 59 में, राइट? सो इफ़ यू सी इन योर साइनअप कंपोनेंट डॉट टी एस 59 किधर गया मेरे, राइट? ये यहाँ से वो प्रिंट हुआ, राइट? मतलब उसने एरर दिया, क्यों एरर दिया? बिकॉज जो पाथ है अपना वो गलत है। सो विल गो टू दिस फंक्शन एंड हियर आई वुड से साइनअप के बदले आई वुड से user/signup, बिकॉज पाथ क्या है, localhost:3000/user/signup, सेम वुड बी विथ लॉगिन, user/login, सेव किया, दिस विल अपडेट, ये नॉट नाउ, ओके। अगेन आई गिव गंधार, ईमेल b@b.com, मोबाइल इज 8888755259, पासवर्ड मैं गंधार ही डालता हूँ, अगेन यहाँ भी पासवर्ड गंधार डालता हूँ, एंड आई क्लिक ऑन साइन अप,
अब क्या हुआ, वो नेविगेट हो गया। मतलब क्या कि ये देखो, साइनअप कंपोनेंट डॉट टी एस में 55 पे ये प्रिंट हुआ, राइट। जब भी हम लोग पोस्टमैन से इंसर्ट करते हैं तो ऐसे ही आता है कुछ, राइट। तो वही ऑब्जेक्ट हमें अब यहाँ पे मिला है, राइट। अदर देन दैट व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये साइनअप, ये सर्विस में से, हाँ, ये साइनअप में ये सब्सक्राइब किया था, सक्सेस कॉल बैक कॉल हुआ, सक्सेस कॉल बैक में ये 55 पर ये प्रिंट हुआ, विच इज़ दिस, राइट। मतलब क्या कि सर्वर कॉल बराबर हुआ, सर्वर कॉल बराबर हुआ, तो लेट अस सी इफ इसमें डेटा आता है क्या, राइट। तो इसमें डेटा भी आया, गंधार ये हमने जो डाला था वो आया, राइट। मतलब क्या कि एक न्यू यूज़र आपका बन गया है, एंड अब आपको जो लॉगिन करना है वो ये ईमेल और ये पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है, राइट। तो मैंने एक लॉगिन का एपीआई भी बनाया हुआ है, कहाँ गया, राइट। सो दिस इज माय लॉगिन एपीआई। इन लॉगिन व्हाट आई एम डूइंग इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस। तो अपना लॉगिन फॉर्म जो रहेगा उसमें दो ही फील्ड्स है, एक ईमेल रहेगी और एक पासवर्ड रहेगी। तो हम लोग सीधा यूजर टेबल में क्वेरी कर सकते हैं, जहां वी वुड से कि ये ईमेल और ये पासवर्ड का डेटा है तो मुझे भेजो, राइट। अगर डेटा रहेगा तो वो यहां रोज के थ्रू वो डेटा रिटर्न होगा, नहीं होगा तो ज़ीरो डेटा आएगा। ज़ीरो मतलब रोज वुड बी ब्लैंक, राइट। सो लेट अस चेक कि ये कैसे कर सकते हैं। सो फॉर दिस व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू login.component.ts, yes। अब login.component.ts में क्या होता है, ये login बटन कॉल करने पे ये वाला फंक्शन कॉल होता है, राइट। सो फर्स्ट आई विल इम्पोर्ट माई सर्विस। हाउ विल आई डू दैट, आई विल से इम्पोर्ट login सर्विस फ्रॉम ./login.service, राइट। एंड देन आई विल इंजेक्ट इट, आई विल सिंपली से प्राइवेट ऑथ एंड लॉगिन सर्विस, राइट। एंड इफ लॉगिन इज सक्सेसफुल नेविगेट टू होम पेज, राइट। सो आई विल से दिस .auth.login। अब ये लॉगिन में व्हाट विल आई पास, अगेन दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, आई विल पास माय यूजर का ऑब्जेक्ट, राइट। एंड आई विल सब्सक्राइब टू इट, सो आई विल से .subscribe, then I'll have a success callback, then I'll have an error callback, error mein I'll say console.log error, success mein I'll say console.log success, and if my API call is successful only then I would navigate, if my API call is not successful I will not navigate। ये सक्सेस में क्या होगा, वो जो भी डेटा है वो यहाँ प्रिंट कराएगा। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस केस इज़ कि अगर आपका ये गलत भी है, यानी ईमेल और पासवर्ड गलत भी है, राइट, तो भी ये नेविगेट हो जाएगा। आई विल शो यू कैसे। यहाँ लेट से मैं कुछ तो डालता हूँ, aa@b.com, ऐसा यूजर जो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ तो भी पासवर्ड, एंड आई विल क्लिक ऑन लॉगिन, राइट। फिर भी ये नेविगेट हो गया, लेकिन यहाँ लॉगिन कंपोनेंट डॉट टी एस में आप देखोगे 29 नंबर पे ब्लैंक एरे प्रिंट हुआ, ये इधर, राइट। मतलब क्या है कि इफ द यूजर नेम पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट स्टिल इट इज नेविगेटिंग। व्हाई? बिकॉज एसक्यूएल का कोई एरर नहीं है, सिर्फ उसने रोज रिटर्न नहीं किया। एसक्यूएल में एरर रहता था तो वो यहाँ आता था, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से let user obj colon any equals to success। मैंने एक success, ये जो success है उसको एक user obj में ले लिया, right। then I'll say if user obj dot length equals to 1, क्यों? because एक ही user exist करना चाहिए ये email और password का। अगर इसकी length 1 है only then my login is successful,
and I will navigate. Else I will simply say console.log username and password do not exist, right? ऐसा कुछ तो मैं डाल देता हूँ. I'll go back, right? I'll check कुछ तो भी gg@v.com password कुछ भी डाल दिया and I click on login. अब यहाँ उसने error दिया कि username and password do not exist, right? Now I'll put in a proper ये. तो वो क्या था b@v.com and password was Gandhar. I'll click on login. तो क्या हुआ यहाँ उसे एक object मिला, राइट? ये वही यूजर टेबल में से ये ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, यानी सिलेक्ट करके हमने लाया हुआ है. उसका रोल यूजर है, ये वही साइन अप है जो हमने किया हुआ था, राइट? एंड उसके बाद क्या हुआ, वो कॉन्टैक्ट पेज यानी यूजर के होम पेज पे आ गया, राइट? यूजर के होम पेज पे तो वो आ गया एंड यहाँ पर उसने एक सिंपल जो टेबल है वो डिस्प्ले करवाया. ये अपना हार्ड कोडेड डेटा है, ये डेटा अभी तक यहाँ से नहीं आ रहा. कहाँ से? सर्वर से नहीं आ रहा है, राइट? ये डेटा कौन सा है? ये वही डेटा है जो हमने एक सिंपल एरे बनाया था और एन जी फॉर से डिस्प्ले कराया है, राइट? गोइंग फॉरवर्ड अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये इस पर्टिकुलर यूजर के कॉन्टैक्ट्स जो है वो लेकर आने हैं, राइट? वी हैव टू गेट दोज कॉन्टैक्ट्स एंड ये एड कॉन्टैक्ट पे हमें एक वापस पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करना है विच विल क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट इन आर डेटाबेस, राइट? ये चीज़ हमने करनी है, राइट? दैट इज आर नेक्स्ट टास्क, राइट? बट फॉर टुडे व्हाट यू गाइस डू इज, राइट, कंप्लीट ये लॉगिन एंड साइन अप वाला फ्लो, कंप्लीट दिस थिंग. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग.